अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम लोग बात कर लेते हैं अपने लिप्स के बारे में। हम लोग घर पे DIY शुगर स्क्रब बनाएंगे। बहुत इजी है, बहुत अफेक्टिव है, बहुत जल्दी रिज़ल्ट, इंस्टेंट रिज़ल्ट नज़र आने वाले हैं। मैं इसमें जो इन्ग्रीडियंट्स ऐड करूँगी, बहुत ही कमाल के उनके रिज़ल्ट मिलते हैं। बहुत नेचुरल स्क्रब बनेगा ये घर पे। तो आप इसकी इन इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी बढ़ा के आप लोग इसे स्टोर भी कर सकते हैं 7 डेज़ के लिए, 15 डेज़ के लिए। ये इसके ख़राब होने का कोई डर नहीं होता हमें, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे हमें इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट इस स्क्रब को बनाने के लिए, या किसी भी स्क्रब को बनाने के लिए जी, शुगर, जो हमारी स्किन, कोटेड स्किन को एक्सफोलिएट करता है, ठीक है जी। तो इसका मैंने 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ले लिया है शुगर का। देन सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती है जी कॉफ़ी। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसका कॉफ़ी का लिया है जी। कॉफ़ी क्या करेगी जी, हमारी जो स्किन है उसको बहुत ज़्यादा एक नरिश प्रोवाइड करेगी, ठीक है जी। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी हनी। बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ है हमारी स्किन के लिए, मॉइस्चराइज रखता है हमारी स्किन को। तो अब हम इस बारे में बात कर लेते हैं जी, ये बनेगा कैसे। तो मैंने जो शुगर ली थी उसी में मैं ऐड कर लूँगी कॉफ़ी, ठीक है जी। और उसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून जितना जी हनी, ताकि ये एक बहुत अच्छा स्क्रब बन जाए, एक बहुत ही अच्छी पेस्टी फॉर्म में आ जाए, ठीक है जी। यहाँ पे ये देखें जी, 1 टेबल स्पून मैंने हनी का लिया है। हनी ऐड करने के बाद मैं करूँगी क्या जी, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह के एक स्क्रब फॉर्म हमारे पास आई है। हमारे लिप्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट इसके आप लोगों को नज़र आएंगे, इंस्टेंट रिज़ल्ट आप लोगों को इसके नज़र आएंगे, ठीक है जी। अगर हम लोग इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो ये क्या करेगा, हमारे जो ड्राई चैप्ड लिप्स होते हैं उन्हें सॉफ्ट करेगा, उन्हें नरिश प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। देन सेकेंड नंबर पर ये हमारे जो लिप्स की स्किन होती है उसे मॉइस्चराइज करेगा और एक प्रोटेक्टिव लेयर उसे प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगा और लाइटन अप करेगा हमारे जो डार्क लिप्स होते हैं उन्हें, ठीक है जी। अब अगर हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे, इसको हमने अप्लाई किस तरह से करना है, तो बहुत इजी मेथड है, कोई इतना मुश्किल मेथड नहीं है जो हमें समझ में ना आए, जो हम कर ना सकें। तो जी हमने इस स्क्रब को 10 मिनट्स के लिए अपने लिप्स पे लगा के छोड़ देना है, देन अच्छे से एक्सफोलिएट करके इसे रिमूव कर देना है, ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेमेडी जो है बहुत इजीली समझ आ चुकी होगी। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।